What is monkeypox and what are its causes and symptoms? Monkeypox is a viral disease. Monkeypox spreads through a typical virus which is known as monkeypox virus. It is a virus which belongs to the smallpox family of viruses. The presentation of monkeypox infection is similar to any other viral illness. People can get symptoms like fever, headache, you know, rash, body aches, dehydration, swollen lymph nodes. All these symptoms can happen in monkeypox as well. In initial few days of monkeypox infection, like 2 to 4 days, it is very difficult to differentiate it from other viral illnesses. शुरुआत के 2-4 दिन में सिर्फ और सिर्फ हाई सस्पिशन के ऊपर ही हम जो है मंकीपॉक्स इन्फेक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 से 4 दिन होते हैं और अगर वो मंकीपॉक्स इन्फेक्शन की वजह से ही फीवर आ रहा था, तो उस केस में एक टिपिकल बॉडी पे रैश या पस्टूल्स जिसको हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाएंगे। उसके एरियाज कॉमन एरियाज होते हैं हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, बॉडी पे। मंकीपॉक्स इन्फेक्शन जो है ये एक दूसरे को हाथ लगाने से या हम जब बात करते हैं तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से उसके थ्रू फैलता है, जैसे कोई और वायरस फैलता है, जैसे कोविड फैलता है इसी तरह से फैलता है। शुरुआत में जो है मंकीपॉक्स वायरस जानवरों की बीमारी है, लेकिन वो जानवरों से जो है इंसान में आ जाती है, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। मंकीपॉक्स का जो ट्रांसमिशन देखा गया है, फैलने का तरीका देखा गया है, उसमें जो है जैसे एड्स फैलती है उस तरह से भी ये फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, आईवी फ्लूइड से भी फैलता है। So, बहुत सारे तरीके हैं मंकीपॉक्स को फैलने के, लेकिन जो कॉमन तरीका है वो है एक दूसरे से टच करना। एक किसी मंकीपॉक्स के पेशेंट ने कहीं टच कर लिया किसी सरफेस को, फिर दूसरा आदमी, नॉर्मल आदमी वहां टच करता है, उससे फैल सकता है। डोर हैंडल्स हैं, टेबल टॉप्स हैं, सरफेसेस हैं, इन सबको टच करने से फैलता है। सो, अगर किसी को भी फीवर या रैश या इस तरह की चीज है घर में या ऑफिस में या कहीं बाहर, तो उसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और मास्क पहन। और टिपिकली इस बार जो मंकीपॉक्स वायरस जो 30-40 साल बाद इन्फेक्शन जो इस बार जो डेवलप हुई है, इसमें ग्रॉइन एरियाज या आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है वहां पे रैश आ रहा है टिपिकल, और जो है स्वेलिंग भी हो रही है वहां पे, लिम्फ नोड्स जो है वो भी स्वेलन हो जाते हैं। सो इन जनरल जो है मंकीपॉक्स इन्फेक्शन एक आम आदमी को जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको तो अफेक्ट नहीं करेगा ज्यादा, और 2 से 3 हफ्ते में इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, उनमें इसके सीरियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो, एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का फीवर आता है या कोई रैश अपीयर होता है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, खुद से अपना इलाज ना करें।